सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर गहराया बांदीकुई नगर पालिका में विवाद। बीजेपी युवा मोर्चा ने पैरवी करते हुए बांदीकुई एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बांदीकुई शहर में नगर पालिका द्वारा लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरों के मामले को लेकर दो दिन से विवाद गहरा रहा है। नगर पालिका पार्षद जहां कैमरे लगाने की कार्रवाई में अनियमितता बरतने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम बांदीकुई नीरज मीणा को ज्ञापन सौंपा और शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की पैरवी की। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष अवधेश उपाध्याय के नेतृत्व में एसडीएम नीरज मीणा को ज्ञापन में बताया कि शहर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ऐसे में दीपावली से पहले सभी जगह कैमरे लगवाए जाएँ जिससे शहर में आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम लगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा चालकों का किराया दर व ई रिक्शाओं पर हेल्पलाइन डेस्क के नंबर अंकित करने की भी मांग की और सुरक्षा के तहत सीसीटीवी कैमरे की जो मांग हुई थी शहर के अंदर लगने की चोरी चकारी की घटनाओं को रोक लगाने के लिए उनको जल्द से जल्द दिवाली से पहले त्योहार से पहले ये मांगे पूरी की जाए, व्यवस्था की जाए जिससे शहर के अंदर होने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जाए, जिससे प्रशासन को भी कुछ मदद मिलेगी। ऐसी घटनाएं होती है तो चोरों को पकड़ने में भी कुछ सहायता मिलेगी। और